सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस खत की तस्वीर वायरल है। इसके अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेटर लिखा। इस कथित लेटर में अमित शाह ने निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की तारीफ की। दरअसल पिछले कुछ वक्त से नुपुर शर्मा सुर्खियों में हैं। मोहम्मद पैगंबर पर विवादास्पद टिप्पणी करने को लेकर नुपुर शर्मा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। बाद में मुस्लिम समुदाय ने नुपुर शर्मा का खूब विरोध भी किया। इस बीच ये खत भाजपा का नुपुर शर्मा को समर्थन दिखाने के लिए शेयर किया जा रहा है। इस कथित लेटर में अमित शाह ने आरएसएस की विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए नुपुर शर्मा की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक आइकॉन बताया। साथ में कथित रूप से अमित शाह ने उत्तराखंड के सीएम को नुपुर शर्मा और उनके पैतृक घर को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह भी किया। इस खत की असलियत जानने के लिए ऑल्ट न्यूज के मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर कई रिक्वेस्ट आई है। तो क्या वाकई में अमित शाह ने खत लिखकर नुपुर शर्मा की सराहना की? ऑल्ट न्यूज ने जांच करते हुए पाया कि ये खत फर्जी है। इस लेटर में व्याकरण की कई गलतियां हैं। कीवर्ड सर्च करने पर हमने पाया कि साल 2021 में भी ऐसा ही एक लेटर वायरल हुआ था। पीआईबी फैक्ट चेक ने 2021 में वायरल हुए उस खत को फर्जी बताया था। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि हाल में वायरल ये लेटर और 2021 के लेटर में काफी समानताएं हैं, जैसे कि एचएमपी नंबर और खत में दिख रहा शेडो। उत्तराखंड यूनिट के एसटीएफ ने इस मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। कुल मिलाकर अमित शाह के हवाले से नुपुर शर्मा की तारीफ करने वाला ये लेटर फर्जी है।